से ऊपर चले गए। अफगानिस्तान इस वक्त प्लस 1.28 के ऊपर है और इंडिया प्लस 1.62 के ऊपर आ गया है। और तो यहाँ पे क्या है कि सबकी नज़रें अब 7 तारीख को जो मैच है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, और सबको ये है कि क्या होगा। लेकिन जो ज़्यादा लगने में आ रहे हैं लोग, काफ़ी लोग आज फ़ोन किए, सब घबरा रहे हैं क्या होगा, लेकिन सुकून से रहें, न्यूजीलैंड आराम से थ्रू कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। लेकिन आज किसी ना किसी तरीके से भारत के रास्ते सेमीफाइनल के लिए बन रहे हैं, और भारत ने मतलब आज तो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को भी ओवरटेक कर लिया रन रेट के मामले में। लेकिन अब आपको भी पता है कि भारत को तभी मतलब मौका मिलेगा जब न्यूजीलैंड हारेगा अफगानिस्तान से। वहाँ पर कोई मार्जिन वगैरह मैटर नहीं करता है, कौन कितने मार्जिन से जीतता है, बस ये है कि अफगानिस्तान को किसी भी तरीके से मैच जीतना है। हाँ, अगर ये होता है कि अफगानिस्तान बहुत बड़ी विक्ट्री लेता है तो फिर हमें नामीबिया को कोई मतलब बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि अफगानिस्तान इतनी भी बड़ी विक्ट्री ले लेगा कि हमें फिर नेट रन रेट को देखना पड़ेगा। अब सीधा सा फोकस है कि अफगानिस्तान किसी न किसी तरीके से हराए। पाकिस्तान के राशिद लतीफ़ ने तो आगे ये बोल दिया है कि नहीं, न्यूजीलैंड एक प्रोफेशनल टीम है, बड़ी टीम है, अफगानिस्तान को हरा देगी। गाइज आपको बता दूं, मैच है वहीं पर जहां पर अफगानिस्तान और भारत का मैच हुआ था, लेकिन वो नाइट डे नाइट मतलब नाइट को मैच था, और ये था, ये होगा 2:30 बजे से। और मुजीब अगर अवेलेबल होते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मुजीब, राशिद और नबी, ये तीन मेरे हिसाब से की प्लेयर होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। और भारत अगर पहुंच गया सेमीफाइनल तो डेफिनेटली आप समझ जाएं कि फिर भारत फिर से सबसे स्ट्रांग टीम रहेगी इस टूर्नामेंट की। कोई कुछ भी कर ले, फिर केवल किसी भी टीम को अगर वर्ल्ड कप जीतना है केवल 2 मैच जीतना है, सेमीफाइनल और फाइनल। शायद ये हमारे लिए एक मतलब बड़ा ही लक्की वाला वर्ल्ड कप होगा कि हम पहले तो बाहर थे। आपको भी पता है कि आप अगर क्रिकेट फैन है तो आप समझ सकते हो कि आपको लास्ट जब ये भारत 2 मैच नहीं जीता था, आप कितने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, टीम इंडिया पर बैन, IPL, ये वो फलाना ठिकाना बातें शुरू कर दी थी आपने। लेकिन अब एकदम से एक उम्मीद आई है। परसों 7 तारीख को मतलब 3 बजे 3:30 बजे से मैच होगा न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। वो मैच हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और अफगानिस्तान को डेफिनेटली, वैसे आपको भी पता है कि इंडिया में अफगानिस्तान की टीम को काफ़ी सपोर्ट किया जाता है जब भी वो किसी अदर टीम से खेलती है, क्योंकि उनके प्लेयर काफ़ी फेमस है IPL में। और अफगानिस्तान और इंडिया के पीपल टू पीपल अगर आप सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट देखें काफ़ी फ्रेंडली है अफगानिस्तान भारत के लिए, काफ़ी फ्रेंडली। हालांकि तालिबान गवर्नमेंट का पता नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस गवर्नमेंट है और जो वहाँ के लोग हैं वो इंडिया को ज़्यादातर, बात कर रहा हूँ मैं, आप कुछ होंगे एक दो, आपको भी पता है तालिबान माइंडसेट के साथ वो ना करें, लेकिन ज़्यादातर लोग इंडिया को लेकर काफ़ी अच्छी राय रखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। बहुत हो जाएगा कि उनका रन रेट अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से ऊपर होगा तो फिर इंडिया हॉट फेवरेट हो सकता है इन केस अगर अफगानिस्तान जीत जाए। जी राशिद भाई, क्या समझते हैं जो जिस तरह की आज की परफॉर्मेंस इंडिया ने दिखाई और न्यूजीलैंड का स्ट्रगल जो हो रहा है बैटिंग में, ओवरऑल उस कन्विंसिंग तरीके से न्यूजीलैंड नहीं जीत सका जो इंडिया इस वक्त इंडिया ने दिखाया। न्यूजीलैंड 52 रन से जीता है, T20 में 52, हाँ वो लास्ट मैच, लास्ट मैच 16 रन से जो जीते थे वो थोड़ा सा दोनों मैचेस थोड़े से क्लोज हो गए, लेकिन तकरीबन 17 ओवर में इनके 117 थे, और उसके बाद जो लास्ट 18 बॉल पे रन किए हैं वो जबरदस्त है। लेकिन इंडिया ने, जाहिर सी बात है उनके पास और कुछ भी नहीं है, आज के मैच में इनको नेट रन रेट अपना अच्छा करना था और किया भी उन्होंने। अफगानिस्तान से ऊपर चले गए, अफगानिस्तान इस वक्त प्लस 1.28 के ऊपर है और इंडिया प्लस 1.62 के ऊपर आ गया है। और तो यहाँ पे क्या है कि सबकी नज़रें अब 7 तारीख को जो मैच है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, और सबको ये है कि क्या होगा। लेकिन जो ज़्यादा लगने में आ रहे हैं लोग, काफ़ी लोग आज फ़ोन किए, सब घबरा रहे हैं क्या होगा, लेकिन सुकून से रहें, न्यूजीलैंड आराम से थ्रू कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। लेकिन आज जैसे उन्होंने 14 ओवर तक स्ट्रगल किया, आज वाला मैच नहीं होगा। देखिए टॉस पे बड़ा फाइटल नहीं इफेक्ट हो सकता, आज टॉस उन्होंने जीता, इनको बैटिंग दी 14 ओवर्स में 87 रन पे 4। जो अफगानिस्तान की बात करें, हिस्ट्री जो हमने देखी इस इवेंट के अंदर देखी है, वो शुरू अच्छा करते हैं, गुरबाज 2-3 छक्के मारेगा या जजई आके, लेकिन पूरा गो थ्रू नहीं करते ये लोग। ये 7-8 ओवर में 70-10 रन के रन रेट से भी चले जाएंगे, लेकिन क्या टोटल कितना है, 130। ये इशू है अफगानिस्तान की टीम में, और प्रोफेशनल टीम है न्यूजीलैंड, कैप्टनसी उसकी, लीडरशिप क्वालिटी तो लगता नहीं। हाँ, कोई ऐसा हो जाए कि वो लंबी इनिंग खेल जाए, कोई शहजाद हो या गुलबाज हो या नबी हो, तो डिफरेंट गेम हो सकता है, लेकिन
हिस्ट्री जो बताती है इस इवेंट की वो इतनी ज़्यादा साथ नहीं दे रही अफगानिस्तान की। बिल्कुल, और तीन स्पिनर्स आज खिलाए इंडिया ने, पिच को लगता है बहुत अच्छा रीड किया। जडेजा की बॉल कुछ ब्रेक भी हुए, तीन विकेट्स उन्होंने हासिल किए। शामी को खिलाया, अश्विन को भी खिलाया और चक्रवर्ती को भी खिलाया, तीन स्पिनर्स से गए। पिच को भी आज अच्छा रीड किया इंडिया की टीम ने। बिल्कुल, दूसरी बात यह कि ऑलरेडी उनके पास तीन पेसर वैसे भी अवेलेबल थे। पांड्या की सूरत में उनके पास एक ऑलराउंडर है जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है। चक्रवर्ती का चांस लेके थोड़ा सा मिस्ट्री है तो उनको समझ नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह टॉनसेट के ऊपर से बुमरा ने जिस तरह उसको आउट किया, फिर अश्विन को अगर आप देखें, शामी को देखें, जडेजा ने आज जिस तरह की बॉलिंग की है, जो पहला विकेट उसको मिला वहाँ से उसका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो गया, क्योंकि वो एक आइडियल लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए एक आइडियल बॉल होता है जिस तरह उसको बॉल किया। तो आई थिंक बड़ा अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया। जो भी जो टारगेट सेट किया था इंडिया ने टॉस जीत के, तो आई थिंक सारे प्लेयर ने उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया। और फिर जो सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी कि उनके बैट्समैनों को उनके सामने एक जो उनका प्लान था कि हम चेसिंग में जाएंगे और हमारे सामने बोर्ड पे एक टारगेट होगा तो हम उसी हिसाब से उसको चेस करेंगे और अपने रन रेट को, तो जिस तरह केएल राहुल ने और शर्मा ने उसको रिप्लाई किया और जिस तरह एग्जीक्यूशन उन्होंने किए, तो आई थिंक आप कह सकते थे कि टॉप बैटिंग लाइनअप तो उनके वैसी भी थी, लेकिन वंस अगेन बड़े ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन और बैटिंग, मज़ा आया देखने का। बिल्कुल ज़बरदस्त। एंड व्हाट दिस मैच हैज डन दैट वी कैन नॉट जस्ट टॉक अबाउट इंडिया एंड स्कॉटलैंड, वी हैव अफगानिस्तान कम्स इन, न्यूजीलैंड कम्स इन एंड द डिस्कशन जस्ट टेक्स ओवर। Well, as you know, Sana, we have plenty of time on these shows to meander our way around all the discussions, all the salient points, and consider everyone's best interests. Apart from anything else, that was a very, very clinical, impressive, dominant performance, was it not, Viv? For sure. India did what it had to do, you know, to not just basically get over the line, but also to increase their run rate, which I think was very special. The only thing that they'll be asking now is for someone else to do a job for them in Afghanistan. They'll be hoping that Afghanistan can do a job on New Zealand. And it's tough when you have to do that, especially one of the better teams in the world, having to ask one of the teams that are not so fancy to do that. That's going to be something that worth waiting for. I think, they had two bad games in India because of... I think the tougher oppositions and tough conditions. On flat pitches, probably India probably had is the number one or England number one team. But where there is something in the pace, something not coming up, stopping or turning or a bit of seam, that's what hurts them early on. And I think still what we have seen between stronger teams and associates, they can tackle medium pace, simple bowling, but when it comes to pace and there was spin, quality spin, all struggle. The other day, you know, Australia smashed Bangladesh and India today, and I mean, like, This is the story. This is the limitation of associate cricket. Yeah, but this again is the thing where on good pitches or pitches which offer something, so a bit of bounce, bit of pace, batsmen can play their shots. Indian batsmen love that. On pitches that are low and slow, everyone, like New Zealand today, will come to them later. Mm-hmm. But New Zealand today struggled for 15 overs. Then came Phillips and Neesham. Yeah. Who I guess got him out of trouble. Yeah. When I looked at the telly and saw the score, I said, "Wow, Manivia is doing pretty well here." Yeah. You know. But as you say, some class in Neesham, who I think is a renowned hitter of a cricket ball, Phillips stepped in. And obviously, when they got 263, felt that they were in a sort of safe zone in order for them to compete and defend. Yeah, sure. Mm-hmm. Because in Sharjah, if you try to play a normal cricket, it's so hard to even hit a boundary. skidding through, staying low, heavy outfield, it has to be go under sixes. Otherwise, you know, if you play proper cricket, hitting the gaps, you're going to end up like 140, less than 140. Mm-hmm. So they realized that, look, oh God, we are in trouble. So just smash it. So this is how they
Or try to smash it. Try to smash it. With India and their bowling today, though, I mean, I'm sort of mischievously pointing out now Ravi Jadeja, who was man of the match in the end for picking up those wickets, was it 3 for 15 off his four overs? And of course, he's a man you've talked about over the last couple of weeks as being steady but nothing special. Okay, I know there is this gap between India, top side, Scotland, emerging sides, plucky, brave heart as you describe them. Bravery is one thing, skill is another. And they just don't pick up the subtle variations, do they, in the same way? I mean, look, the quality of Jadeja is that pause he took, where he reads the batsman. All the bowler, Ashwin, his biggest strength is the last second pause and reading the batsman and then varying the length. It's about the, are you used to it playing something like that smart bowler? This is what it's happening. If it's come to 145, they have no idea, they're late. If it's something quality spinning, if something to read, they can't. Their ball. Yeah, that's right. It's a new language. Yeah, it's a new language for them. And even a smart bowlers, I mean, Jadeja is playing IPL in India, so how difficult it is for him to check what's going on, the batsman's mind. And he's very shrewd, very clever. That's his main strength. 77 run kiye, 74 run kiye, 82 run kiye. Rashid, jab ye jayenge, single match, under lights, dew factor, I don't think koi bhi risk lena banta. You don't want to take any risk by bowling second. If you have a choice, you got to go for chasing. On all three grounds? No, I think the semis and the final is in Abu Dhabi. No, sure, yeah.